नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी प्रमुख ऐतिहासिक और ये कह दो कि प्रमुख स्थलों वाली 5वीं क्लास है। काफी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसकी और कितनी क्लासेस आएगी। तो देखो साथियों, इसकी जितनी भी क्लासेस आती है ना, वो पूरे पूरे फायदे वाली है। कारण क्या है कि इसमें आपके एक तरीके से पूरा राजस्थान कवर होता है। अपन धार्मिक स्थल भी देखते हैं, अपन भौगोलिक स्थल भी देखते हैं, अपन काफी सारी चीजें देखते हैं, और साथ ही आपके सिलेबस में दिए हुआ एक नहीं दो टॉपिक क्लियर हो रहे। एक तो ऐतिहासिक स्थल वाला और एक प्रमुख नगर और स्थल वाला, दोनों में कंटेंट सेम ही रहता है, बस टॉपिक अलग अलग दे दिए। तो काफी सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं कि इसमें क्या पढ़ना और इसमें क्या पढ़ना। अब इनको अलग से नहीं भी पढ़ते तो भी चलता, क्योंकि किसी न किसी टॉपिक में इनको पढ़ ही लेंगे। दुर्गों में पढ़ेंगे, महल में पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक तरीके से फायदा है। दूसरा फायदा है, सेकेंड ग्रेड वाले जितने भी विद्यार्थी है उन्हें ये सारी नगर और स्थल वाली क्लास देख लेनी चाहिए, क्योंकि उनके सीधा सीधा रिविजन होगा ये, ठीक है। तो थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी करने वालों के लिए ये ब्रह्मास्त्र क्लासेस है, और कुल मिला के फायदा ही है, नुकसान कहीं भी नहीं है, ठीक है ना। जितना आप समय यहाँ पे दोगे उसका 3 गुना आपको यहाँ से मिल रहा है, तो वो कहीं चिंता करने की बात आपको नहीं है। चलिए साथियों, अपन समय नहीं गवाएंगे और सीधा शुरू करते हैं। तो अपन जोधपुर संभाग के स्थल पढ़ रहे थे, उसमें से अब आज पढ़ेंगे अपन एक तो पाली, हमारा पाली, ठीक है, क्योंकि मैं पाली जिले से ही हूँ, और एक पढ़ेंगे जैसलमेर। तो जैसलमेर, जैसे जोधपुर को आपको बताया था मैंने पूरा, क्यों जोधपुर अभी मैं जाके आया था, वैसे ही जैसलमेर मैं पिछले साल गया था। तो जैसलमेर के भी अंदरूनी काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, जो परीक्षा दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। सबसे पहले पाली लेते हैं। तो पाली आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला, 8 जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है पाली, ठीक है। तो एक फैक्ट तो ये सीधा आपके निकल के आता है जो आपको ध्यान है, ठीक है, लिखवाने का काम नहीं है, क्योंकि ये सभी को पता है, और नहीं पता है जिसे उसे और मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं साथियों, यहाँ पे एक स्थल है रणकपुर। रणकपुर जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब रणकपुर जैन मंदिर बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, कुंभा के काल में निर्मित हुआ मंदिर है। आज की कंडीशन यह है कि यहाँ पे मतलब कुछ मरम्मत करवानी है या एक कील भी ठोकनी है ना, वो उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग के अधीन चले जाते हैं ऐसे मंदिर, ठीक है। तो निर्माण कब हुआ, कुंभा के काल में उनके मंत्री धरनक शाह ने इसका निर्माण करवाया। शिल्पी था देपाक, ठीक है, शिल्पी कौन था, देपाक। नदी थी मथई, या कई बार आप मघई भी पढ़ोगे, कहीं कोई चिंता नहीं, एक ही बात है बोलने की, उच्चारण की वो चीजें हो जाती है, अपभ्रंश के कारण जो है नाम थोड़े बहुत होते हैं ऐसे। तो मगही या मथई दोनों ही ध्यान रखना, ठीक है। क्या याद रखोगे, देखो, एक तो आपने विजयदान दे था, बहुत पढ़ते हो ना आप, आपको मैं याद करवाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे और था ये याद रखना है, दे से तो क्या याद रखना है, देपाक, और था से ये देखो मथई बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो याद करने का एक तरीका है, क्योंकि काफी सारे मंदबुद्धि विद्यार्थी मेरे जैसे तैयारी करते हैं तो उनको काफी समस्याएं होती है, क्योंकि जीके तो है अथा, जितना पढ़ते हैं फिर ये लगता है कि कहीं कम न पड़ जाए, तो अथा है, उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रश्न पत्र जो है एक दायरे के अनुसार ही आता है, और वो दायरा अपन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देता ऐसे याद रख लेना, और क्या देता कि धन देता, ठीक है, धन देता ऐसे याद रखना, तो धर्मनक्शा याद हो जाएगा, ठीक है ना। धर्मनक्शा और देपाक और मथई, तीन चीजें तो याद हो गई आपको, ठीक है, किसमें, रणकपुर मंदिर के अंदर। अब इसके साथ ही उपनाम है रणकपुर मंदिर के, त्रिलोक दीपक कहा जाता है इसे, ठीक है, त्रैलोक्य दीपक भी पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है साथियों, थोड़े बहुत जो अक्सर थोड़े बहुत बदलते हैं ना, वो तो आप खुद समझदार हो, पता लगाओ। अब ये त्रैलोक्य दीपक है ना, एक और मंदिर को कहा जाता है बीकानेर के संडासर और भंडासर मंदिर, जिसको कहा जाता है घी वाला मंदिर, ठीक है, घी वाला मंदिर कौन सा है, किसके बारे में बता रहा हूं, यूं नहीं कि खाली मैं स्लाइड देखने वाला बाद में कंफ्यूज हो जाए, बीकानेर वाला, ठीक है, बीकानेर वाला कौन सा है, संडासर और भंडासर जैन मंदिर, जिसकी नींव घी से भरी गई और आज भी घी फर्श पे आता है गर्मियों में पिघल के ऊपर, ठीक है ना। ये रणकपुर जैन मंदिर का ही एक और नाम नलिनी गुल्म विमान, ये भी पूछ सकते हैं। स्तंभों का वन कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 1444 स्तंभ है, एक स्तंभ आधा है जो अभी भी आधा ही है, ठीक है। क्यों, मैंने बताया ना आपको, कुछ भी मरम्मत करवानी हाथ में नहीं है, पुरातत्व विभाग की परमिशन लेनी पड़ती है वहां पे, क्योंकि हम गए हैं कई बार तो ये बात होती है वहां, उनको परिचित भी है तो वो चीज अंदरूनी जो है बता देते कि ये है चीज, ठीक है, मतलब खंबे बहुत है,
खंभों का शहर भी कह देते हैं, स्तंभों का वन कह देते हैं इसको, बहुत सारे नाम है। पातरियों रो देवरो या वैश्याओं का मंदिर, स्पेशली यहाँ पे एक नेमिनाथ मंदिर है, नेमिनाथ मंदिर की दीवारों पर ऐसे चित्र हैं, इस वजह से ये कहा जाता है नेमिनाथ मंदिर। वैसे यहाँ पे नेमिनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर है ना, शिव मंदिर और सूर्य मंदिर और बहुत सारे अंदर मंदिर बने हुए हैं रणकपुर जैन टेम्पल के अंदर, और बहुत सारे विदेशी सैलानी, अपने देशी पर्यटक ये भी जाते हैं, ठीक है ना। ये रणकपुर जैन मंदिर आपके कहाँ है? पाली जिले में, ठीक, पाली के अंदर है। पाली में देखो एक बहुत बड़ी बांध परियोजना है, बांध बना हुआ है जिसका नाम है जवाई बांध, और जवाई बांध था ध्यान कटे है, जवाई बांध है सुमेरपुर, मैं जट रहा हूँ ना, मैं 8 किलोमीटर ही है जवाई बांध। और हमारे यहाँ यूँ समझ लो कि कोई जैसे गेस्ट आए, मेहमान आए, तो ले देन घुमन कटे जानो के जवाई बांध। और मैं वैसे जाता रहता हूँ जवाई बांध की पहाड़ियों में, और यहाँ पे बंदर बहुत है, तो हमारा एक योगा ग्रुप है, तो उनके साथ में जो है हम वहाँ पे कभी आलू लेके कभी मूंगफली लेके ऐसे जाते हैं, समय थोड़ा सा गुजार के आते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ है? सुमेरपुर के अंदर, ठीक है, ये सुमेरपुर के अंदर है। आजकल पैंथर रिजर्व के कारण, यानी पैंथर बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो सैलानी भी बहुत आते हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही काजोल आई थी, ठीक है, उसके पहले अल्लू अर्जुन आया था, ठीक है ना, वो पुष्पा राज, और बहुत सारे सेलिब्रिटी आते रहते हैं लगभग, अब तो आना जाना लगा रहता है। वो क्या है कि शांति चाहते हैं सेलिब्रिटी, तो वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने आते हैं चुपचाप। यहाँ पे जवाई में जो टेंट हाउस वगैरह है वो लगभग स्टे 1-1.5 लाख नाइट का स्टे भी, 1 नाइट का स्टे कितने बोलो, और सफारी होती है बहुत शानदार, पैंथर दिखाए जाते हैं और ये सारी चीजें। तो पैंथर कंजर्वेशन के हिसाब से अभी ये जाना जाता है, ठीक है ना। तो जवाई जो है, पैंथर बहुत सारे हैं यहाँ, तो पैंथर कंजर्वेशन अभी हालांकि घोषित नहीं किया है, लेकिन ये जाना जाता है पैंथर के लिए, ठीक है ना, जवाई वाला क्षेत्र। जवाई बांध का निर्माण महाराजा उम्मीद सिंह द्वारा 1946 में शुरू हुआ, 1956 में पूरा हो गया। जब 1946 में ये शुरू हुआ तब इसके इंजीनियर थे साथियों एडगर और फर्ग्यूसन, ठीक है ना, एडगर और फर्ग्यूसन। और जब ये निर्माण पूरा हुआ तब इसके इंजीनियर थे मोती सिंह, ठीक है, ये इन दो तरीकों से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कहा जाता है, ऐसे मान्यता है भैया पंत की देखिए है कौन, कहा जाता है कि इसकी नींव में भी जो है किसी को चुनवाया गया था, ऐसे बताते हैं। शीशे की पाल बनी हुई, जो पाल होती है ना, पक्की पाल, ठीक है ना, दीवार जो होती है बांध की, वो शीशा, शीशा जो धातु होती है मजबूत होता है, उसकी बना रखी है, मजबूती के साथ में काम कर रखा है, ठीक है। और ये जवाई बांध जो है साथियों, ये जवाई बांध पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है, जालोर तक इसका पानी पीता है, ठीक है। और इसे मारवाड़ का, ये सभी जानते होंगे लगभग फैक्ट, अमृत सरोवर कहा जाता है, अमृत सरोवर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इस स्लाइड के अंदर साथियों एक फैक्ट गलत लिखा हुआ है, इस स्लाइड में एक फैक्ट गलत है, यदि मुझे क्लास में ही मतलब वापस आपको बताना याद आ गया, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं एक फैक्ट, देखना इसमें से, ठीक, मैं कह रहा हूं वो मैं छोड़ रहा हूं यहां पे, यदि मुझे क्लास एंड में याद आ गया मैं वापस बता दूंगा, नहीं तो आप लोगों को उसको ढूंढ के बताना है कि ये क्या है। ये इसलिए किया है मैंने कि कई जने विद्यार्थी जो है निरस्ता आ जाती है, पढ़ने में ध्यान नहीं देते, आके नहीं पढ़ाई लास्ट में के पीडीएफ देख ला, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अब जो है ट्विस्ट करूंगा, मैं बताऊंगा वापस कि ये चीज ऐसे थी और ये ऐसे है, ठीक है ना। तो रेगुलर जो विद्यार्थी है, नियमित विद्यार्थी, सिलेक्शन भी नियमितता और निरंतरता वालों का होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, नियमितता होनी चाहिए, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी के साथ में उनका सिलेक्शन होगा। इस स्लाइड के अंदर एक गलत फैक्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल है, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूं आपको, कई जगह के गुरु जी वो गलत है, मैं कह रहा हूं गलत है इसके अंदर, वो आपको ढूंढना है ये कौन सा गलत है, ठीक है। चलिए साथियों, सोजत की बात करते हैं, मेहंदी जिसे इंटरनेशनल पॉप कहा जाता है। एक बार मेरे कोई मित्र थे, वो आरएस का इंटरव्यू देने गए, पाली से ही थे, तो जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो उनको पूछा गया कि आपके वहां पे इंटरनेशनल कॉप कौन सी है, अब फंस गया, याद ही कौन आवे अभी टाइम एडी समय में, मतलब थे खुद देख लो परीक्षा हॉल में, प्रश्न याद कई बार नहीं आया कर,
याद ही नहीं है, बताई नहीं, बाद में ध्यान पड़ेगा। अरे यार मेहंदी है ना इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशों तक व्यापार में, तो मेहंदी कहाँ की फेमस है? सोजत की फेमस है, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। खुदाबख्श बाबा की दरगाह और सोजत दुर्ग ध्यान में रखना है, और ये सोजत दुर्ग जो है साथियों एक पहाड़ी है, नानी सीरडी, नानी सीरडी, ठीक है, इस पहाड़ी पर बना हुआ है, और ये मालदेव ने बनाया है, मालदेव ने बनाया, एक मालकोट का दुर्ग भी मालदेव ने बनाया है, मालदेव द्वारा बहुत सारे दुर्ग बनाए गए। अच्छा ऐसा है कि गलत फैक्ट जो इस स्लाइड पे है ना वो इसी में है, बाकी किसी स्लाइड में नहीं है, ठीक है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है, और किसी में ऐसा मैं रखूंगा तो बताऊंगा, बाकी मैं आपको सब सही बता ही जाएंगे, ऐसे नहीं कि थे हर प्रश्न माते शंका करण डूब जा, एडो नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ये क्या है कि विद्यार्थी एक्टिव होंगे, इसलिए एक्टिव होना जरूरी है, नहीं निरस्तता में कोई मतलब है नहीं। नाडोल, नाडोल भी अपने यहाँ पास में है, पाली के अंदर, आशापुरा माता का मंदिर है, आशापुरा माता जी का मंदिर। अब आशापुरा माता जी का मंदिर मोदरा जालौर के अंदर भी है, यहाँ भी है, और चौहानों की बहुत सारी शाखाएं हुई, तो नाडोल की भी एक शाखा हुई वहां पे, इनकी शाखा, इन चौहानों की कुल देवी जो है आशापुरा माता जी है, ठीक है। चलिए ये हो गया, इस स्लाइड की बात हो गई, अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। हम आए हो देखो अपार गणेराव, ठीक है, कई जने ये सोचते हैं कि गणेराव सर की जाति है, जबकि गणेराव जाति नहीं है, गणेराव है मेरा पैतृक गांव, मैंने अपने दादाजी को नहीं देखा, मेरे जन्म से पहले वो स्वर्गवासी हो गए, तो मैं अपने दादाजी के याद में उनका नाम लगाता हूँ, अपने नाम के आगे गांव का नाम लगाता हूँ, ताकि कभी भविष्य में कोई अच्छा काम करें तो कम से कम अपने नाम से अपने गांव के नाम को भी जाना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो घनेराव बहुत फेमस है, वह यूं देखा ना घनेराव और रावड़ो फेमस है, रावड़ो यूं फेमस है, कोई हिसाब किताब नहीं है, हिसाब किताब नहीं होने का मतलब कोई यूं नहीं कि वह हिसाब किताब करना नहीं आवे, अड़ो नहीं है, हिसाब किताब नहीं होता है, मतलब कि कितने आए कितने गए, यानी किसने आकर मतलब भोजन वगैरह किया, या कोई ऐसे किसी को मनाई नहीं है, खुले दिल है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, दिल खुले हैं, द्वार खुले हैं, तो ये रहता है घनेराव रावड़े का। गणेराव रावड़ा मारवाड़ रियासत के अंदर आता था, यानी गणेराव जो थी क्षेत्र था ये मारवाड़ रियासत के अंदर आता था, और वैसे भी ये पाली मारवाड़ ये सब उनके अंदर ही आते, जोधपुर के अंदर आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैन टेम्पल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें से मुछाला महावीर का मंदिर प्रसिद्ध है, एक रिद्धि सिद्धि संग खड़े गणेश जी का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो है रिद्धि सिद्धि भी खड़े हैं, गणेश जी भी खड़े हैं, ये मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। गणेराव की बावड़ी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बीचों बीच एक बावड़ी बनी हुई है, वो बहुत प्रसिद्ध है। गणेराव का पशु चिकित्सालय बहुत प्रसिद्ध है। अब देखो ये प्रश्न ऐसे बनते नहीं है, लेकिन मैं वहां का मूल निवासी हूं तो मुझे पता है, ठीक है। गणेश जी का ये मंदिर प्रसिद्ध है। कड़क बिजली तोप जो मेहरानगढ़ में पड़ी है, ये कहां पड़ी है? मेहरानगढ़ जोधपुर में पड़ी है, और ये अजीत सिंह जी के समय वहां ले जाएगी। अजीत सिंह जी के समय जो यहाँ गणेराव की है, ठीक है ना, गणेराव में बनी हुई है। फिर एक आता है साथियों जैतारण, जैतारण भी जैन टेम्पल के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पाली में जैन टेम्पल खूब सारे हैं, ठीक है, जैन मंदिर खूब सारे हैं, जैतारण भी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जैतारण ऐतिहासिक स्थल एक प्रसिद्ध बहुत ज्यादा है, वो गिरि सुमेल युद्ध के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है, गिरि सुमेल नामक स्थान है यहाँ पे। ये युद्ध जो है साथियों 5 जनवरी 1544 को हुआ, एक समय था जब इस युद्ध को याद करते थे तो सिर्फ 1544 याद करते थे, ठीक है, एक तो ये है, एक मैं आपको और टास्क देता हूं, एक 1644 में कौन सा युद्ध हुआ वो बताना, 1644 में कौन सा युद्ध हुआ ये बताना है, ठीक है, बहुत फेमस युद्ध है, और हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से, मेरा इरादा है कि हिस्ट्री विस्तृत तरीके से बहुत अच्छी तरीके से याद करवाई जाए विद्यार्थियों को, हिस्टोरी विस्टोरी सब सुनाई जाए, लगभग लगभग 1 महीना अपन लेंगे हिस्ट्री पढ़ने में, तो वो बेहतर तरीके से आपको करवाने का मेरा विचार है, क्योंकि हिस्ट्री अभी तक हमने पूरी चैनल पे पढ़ाई नहीं है, 1.5 साल में पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई है, तो जो पढ़ा दिए वो बात अलग है, जो अच्छी तरीके से पढ़ाए वो बात नहीं है, जो नहीं पढ़ाए वो जैसे मारवाड़ वंश है, मेवाड़ वंश है, ठीक है ना, कछुआ है, ये चीजें अपन बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, हर एग्जाम में काम आता है, ठीक है। चलिए तो ये जो है पहले एक समय था जब 1544 से याद करते थे, फिर एक एग्जाम में डेट पूछेगी 5 जनवरी, वहां कई विद्यार्थियों के गलत हुई, ठीक है,
कई पुस्तकों में नहीं थी तो अब ये सभी पुस्तकों में आती है और ये सभी जने याद भी करते हैं। तो 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध हुआ। ये युद्ध हुआ था अफगान शासक शेर शाह, ये कौन था? अफगान था, मुगलों के साम्राज्य के अंदर घात लगाने वाला शासक था अफगान, जिन फरीदियों फरीदियों करता, मूल नाम क्या हो? फरीद, ठीक है, फरीद। और युद्ध किसके साथ हुआ? मालदेव के साथ हुआ। मालदेव कहां का शासक था? जोधपुर का, आओ मालदेव। इसके सेनापति थे जैता और कुंपा, जैता और कुंपा विश्वसनीय थे, होशियार थे, वीर थे, बहुत सामर्थ्य था। लेकिन डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट क्या है कि इन्होंने किया अफगानों ने थोड़ा बहुत चाल कूटनीति वगैरह की, फिर वो अपने युद्ध में बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे जो है ये युद्ध गिरि सुमेल का युद्ध हुआ, वो जैतारण, और जैतारण कहाँ है? पाली जिले के अंदर, ठीक है। और उसी समय कहा था ये जैता कुंपा बहुत खतरनाक लड़े थे, तो उसी समय शेरशाह सूरीन बाद में लास्ट में मरता मरता जीत गया। अम्बिंग बाद में कहो कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। मुट्ठी भर बाजरा मतलब मारवाड़ में क्या बाजरा ज्यादा है कि यार मारवाड़ ने करने खातिर मैं पूरे भारत साम्राज्य गवा दे तो अवार अपार बकरी डब्बे में आयोड़ी ही पूरी, ठीक है क्या? नीटा नीट बच गया। तो यहाँ पे ये कहा था। आजकल ये कोटेशन बहुत सारे विद्यार्थी अपनी फेसबुक पोस्ट और अपने स्टेटस में लगा रहे हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, या यूं भी कह रहे हैं कि मुट्ठी भर विद्या संबलन योजना के लिए मैं सरकारी नौकरी खो देता, आने वाली सरकारी नौकरी, तो ऐसा भी कह रहे हैं ये। मतलब अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, ठीक है, ये काफी सारे विद्यार्थी यूज कर रहे हैं, मुझे भी याद आ गया यहाँ पे। चलिए, है एक तरह से लॉलीपॉप ही है विद्या संबल, लेकिन जिनके आर्थिक माली हालत बहुत खराब है उनके लिए ठीक है कि एक बार जो है प्राइवेट स्कूलों में इतनी पैसे वगैरह देते नहीं है, गवर्नमेंट में लग सकते हैं, लेकिन ये लंबी दूरी के लिए ठीक नहीं है। दूरदर्शी सोच के हिसाब से तो विद्यार्थियों की दृष्टि से ठीक नहीं है, सरकार की दृष्टि से बहुत ठीक है, फिर सरकार को आधे पैसों में फैकल्टी मिल रही है। आने वाले समय में ऐसी योजनाओं से कहीं ना कहीं पोस्टें डिक्रीज होगी, कम होगी पोस्टें। तो यदि गवर्नमेंट जॉब की कोई चाह रखते हैं तो उनके लिए तो फिर मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। चलिए, आउवा। आउवा क्या है? 1857 की क्रांति का एक केंद्र है, प्रसिद्ध केंद्र है, ठीक है। अब आउवा है ना प्रसिद्ध केंद्र, छावनी नहीं था, छावनियां 6 थी, ए नन्नी ब्याह देखन चली वाली ट्रिक, ठीक है ना, 1857 क्रांति में करवाऊंगा आपको, चिंता मत करना, छावनी नहीं थी। लेकिन बहुत शानदार केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र 1857 की क्रांति का यही था। यहाँ पे सुगाली माता का मंदिर, ठीक है, 10 सिर 54 हाथ वाली, 10 सिर 54 हाथ वाली। होम्स ने जब यहाँ पे आक्रमण किया तो सुगाली माता के मंदिर को चोट पहुंचाई और यहां से मूर्ति जो है तोड़कर फिर बाद में बाद वहां ले गए आगे, और अब जो है बताते मांगण संग्रहालय के अंदर ये पड़ी है, ठीक है। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र आप कह सकते हो, यहाँ के शासक थे कुशाल सिंह, कौन थे? कुशाल सिंह। अब इन्होंने जो है अंग्रेजों से युद्ध किए, बिथोड़ा का युद्ध एक तो, बिथोड़ा का और चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध, ठीक है। चेलावास के युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है, अंग्रेज और अपना भारतीय, ठीक है। ये युद्ध हुए यहाँ पे, और कुशाल सिंह जी जो है बाद में 1860 में इन्होंने आत्मसमर्पण किया, नीमच के अंदर टेलर आयोग बिठाया और फिर जांच हुई वगैरह। तो मैं आपको 1857 की क्रांति में इसकी डिटेल व्यवस्थित करवाऊंगा, अभी यहाँ पे आप इतना ध्यान रख लो ये आउवा है, ठीक है। 1857 की क्रांति का स्मारक भी है यहाँ, मैक मोशन नाम के अंग्रेज अधिकारी की गर्दन काट के दरवाजे के लटकाया था, ठीक है ना, ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियों मार के एजेंट को दरवाजे पट्टा कियो, ए गीत हाल भी अभी भी ये गीत आउवा में चलते हैं, ठीक है, बड़े जोश के साथ में और लोग आनंद लेकर इनको गाते हैं। सोनाना, सोनाना एक स्थान है जहां पे खेतला जी का मंदिर है, और इन खेतला जी को आपकी परीक्षा में क्षेत्रपाल जी के नाम से प्रश्न बनता है, ठीक है, क्षेत्रपाल जी, गांव के बाहर मंदिर होता है, क्षेत्रपाल जी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको बताया था इनके मंदिर के बाहर जो है कुत्ते की प्रतिमा होती है, ठीक है। फालना, फालना वैसे एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां पे उद्योग में भी आप यदि देखो तो छाता उद्योग के लिए बहुत जाना जाता है, ठीक है ना, छाता उद्योग और हार्डवेयर, हार्डवेयर में जैसे गैती फावड़े वगैरह वो है ना, उनके लिए ये बहुत
प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये फालना, और फालना जो है स्वर्ण मंदिर, राजस्थान का एकमात्र स्वर्ण मंदिर, पूरा स्वर्ण मंदिर जो है वो फालना के अंदर है, जिसे गेटवे ऑफ गोडवाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेटवे ऑफ गोडवाड़, गोडवाड़ में प्रवेश करने का द्वार ये कह सकते हैं, ठीक। फालना में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ जैन बाहुल्य है, ठीक है, जैनों में जैन मंदिर खूब है। ओमबना का मंदिर है साथियों, लोक देवता है एक तरह से ओमबना, चोटीला गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। एक दुर्घटना में बताते हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद में ये देव बन गए थे। इनकी एक बुलेट पड़ी है वहां, इनके जहां पे इनका धाम है वहां पे बुलेट पड़ी है, वो चमत्कारी बुलेट है। कई बार उस बुलेट को चोरी करके चोरों ने ले जाने की कोशिश की, लेकिन बुलेट अपने आप चलती है, फिर वापस उस बुलेट को वहां छोड़ने आना पड़ा। अब जो बहुत मंदिर प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध मंदिर है, विदेशी सैलानी भी खूब आते हैं, देशी पर्यटक खूब आते हैं, ओमबना को मानने वाले खूब है भावी। और यहाँ पे इनके प्रसाद के रूप में शराब चढ़ती है, ठीक है ना, शराब भी चढ़ती है। तो ये चोटीला गांव के अंदर है ओमबना का मंदिर। कुड़की, कुड़की भी पाली के अंदर है, जो मीराबाई की जन्म स्थली है, और मीराबाई ने साथियों आपको ध्यान हो तो दासी संप्रदाय की स्थापना की, दासी संप्रदाय की स्थापना की। मेड़ता के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, और रोग राग सोटा पदावली वगैरह बहुत सारी रचनाएं, रुक्मणी मंगल वगैरह खूब सारी लिखी इन्होंने। और ये जो है इनका अंतिम समय द्वारका में गुजरा था। इनके पहले जो गुरु थे वो जीव गोस्वामी थे, दूसरे रैदास थे, और बहुत सारी स्टोरी आती है इनके अंदर, ठीक है। मैं थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ सब जगह, ताकि एक तरीके से रिविजन हो जाए, आपको ध्यान पड़े। अब चलते हैं जैसलमेर, समय कितना बचा है, ठीक है, क्योंकि अब ये क्लास तो आपको तो 12 बजे मिलेगी, लेकिन मैं सुबह शूट कर रहा हूँ इसको, और फिर इसके बाद में मुझे विद्यालय भी जाना है, ठीक है। तो ये है साथियों, अब आप कई जने कहते हैं सर वो क्लास नहीं आई, सर वो नहीं आई, सर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो, आप लोगों के लिए कंटेंट राइटिंग, आप लोगों के लिए क्लासेस, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज, सभी चीजें आपको पता है। यदि शुल्क या उसकी बात करें तो डाउन टू अर्थ है, और गुणवत्ता की बात करें तो बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की है। उस दरमियान क्या है, हमारे पास में समय बहुत कम बचता है। देखो, कोई बड़ी कोचिंग है नहीं, या कोई ऐसी बड़ी संस्था है नहीं, बस आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं वो है। अब ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है हमें, हमारे मतलब निजी जीवन तो कुछ रहा ही नहीं, ये समझो हमारा जो जीवन है वो विद्यार्थियों के लिए हो गया। अब तो ये सारी चीजें मैनेज करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट दें, और विद्यार्थी लगे बहुत सारे, ठीक है ना, जो उनको भारी भरकम फीस वहन करनी पड़ती है वो नहीं करें, और उनके पास में बेहतर गुणवत्ता के साथ में बेहतर चीजें पहुंचे। बस यही चीज है जो आप लोगों के लिए करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं जैसलमेर। अब जैसलमेर के देखो नाम, एक तो अपन ने जालौर में सुवर्णगिरी पढ़ा था, और यहाँ पे पढ़ेंगे स्वर्णगिरी। क्या पढ़ेंगे? स्वर्णगिरी। तो स्वर्णगिरी कहा जाता है, पंखों का शहर क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे पवन चक्कियां बहुत सारी है। यदि आप जाओगे तो आपको जैसलमेर एंट्री करते ही पवन चक्कियां खूब देखने को मिलेगी, ठीक है, पवन चक्कियां बहुत सारी है। हवेलियों और झरोखों का शहर कहा जाता है, क्यों? हवेलियां खूब सारी है, पटवों की हवेली, नदमल की हवेली, और खूब सारी हवेलियां, ठीक। येलो सिटी के नाम से, पीला शहर के नाम से कहते हैं। गलियों का शहर कहा जाता है। अब जब अपन पढ़ते हैं तब अपन को यही लगता है गलियों का शहर कहा जाता है, याद कर लो, लेकिन जब वहां जाके देखा वास्तव में गलियां इतनी है बापूड़ा, वास्तव में गलियां गलियां है। वो एड्रेस भी पूछा अन बटे कर जाए कि नहीं, क्या भाई वहां कचोरी दुकान कटे अटे पाड़े, ओके, यहां से लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट फिर राइट लेफ्ट, अब मतलब 10 कदम जाओ फिर लेफ्ट राइट यूं करता गली गली गली, मतलब आदमी नयो है न कालो हो जाए बटे, और इतनी गलियां हैं वास्तव में, पतली पतली गलियां हैं, मतलब अब जा रहे हो पैदल, सामने बाइक वाला आया ना, हैंडल लगने की संभावना पूरी रहेगी, ये बात है वहां। तो वास्तव में गलियों का शहर है भी, और राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ प्रसिद्ध देखो पोकरण, पोकरण क्या है, एक तो परमाणु परीक्षण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत के 3 जो परमाणु परीक्षण हुए, सबसे पहला तो हुआ 1974 में, ठीक है, फिर 1998 के अंदर हुए 2, 11 मई और 13 मई को 2 हुए। ये तीनों परीक्षण जो है भूमिगत परीक्षण होते हैं, तो यहाँ पे पोकरण के अंदर किए गए, इसलिए प्रसिद्ध है। पोकरण का साथियों जो दुर्ग है वो मालदेव द्वारा बनवाया गया है, ठीक है, और मालदेव की रानी ही रूठी रानी उमादेव, वो ध्यान रखना, ये मालदेव द्वारा बनवाया गया। पोकरण के पास ही रूणीचा यानी कि रामदेवरा है, और रामदेवरा जो है साथियों रामदेव जी का मंदिर है, जिनके पिता अजमल जी, जिनकी माता मैणा दे, और जिनकी पत्नी नेतल दे, और डालीबाई सुगणाबाई, इन सब का है। डालीबाई का कंगन भी है वहां पे अंदर, और
सांप्रदायिक सद्भाव के देवता कहा जाता है। 24 वाणियां इनका ग्रंथ था। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, बहुत सारे बालीनाथ थे इनके गुरु थे, बहुत सारे फैक्ट है इनमें। रामदेव जी के अंदर तवर वंशीय राजपूत थे, जो प्रश्न हाल ही में बना था एक एग्जाम के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहां है, पोखरण के पास ही है, जैसलमेर के अंदर। फिर आते हैं अपन तनोट, ठीक है, तनोट माता जी का मंदिर। वैसे देखो बाटी वंश में यूं देखो तो स्वांगिया माता और इनके मतलब बहुत सारे फिर अंश होते हैं, तेमड़ राय माता और बहुत सारे मतलब इनके अंश हैं, लेकिन उनमें से तनोट माता भी जो भाटियों की कुल देवी कहलाती है, ये तनोट माता है जिन्हें थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी तो अर्बुदा माता, क्योंकि पहाड़ी पर है, सबसे ऊंचे पहाड़ी के ऊपर है वहां, और थार की वैष्णो देवी कहा जाता है अपने तनोट माता को। रुमाल वाली देवी कहा जाता है। अब तनोट माता को रुमाल वाली देवी नहीं कहते हैं, तनोट माता मंदिर के पास में एक छोटा सा मंदिर और बना हुआ है, वहां पे एक देवी की मूर्ति है, उसे कहा जाता है रुमाल वाली देवी। अंबट आना मान्यता है रुमाल बांधने की, ठीक। मैं कई बार बताया हुआ, आज भी बताऊं थान फोटो, रुमाल बांधने से बताते हैं कि मन्नत पूरी हो जाती है। मैं रुमाल बांधने हुए पर मास्क बांधने हुए नहीं, वे पर कई जना रुमाल नहीं मिली हो तो जाना मैं चूक जाऊं, आज मास्क बांधने आएगा कई जना, ठीक है। वो मास्क पेरियड वही बांधे हो गए कम के पूरी नहीं हुआ तो आधी तो वो ही मन्नत, क्या पा 1 लाख रुपये मन्नत करी 50,000 तो मिली, यहाँ कर दे, ठीक है ना। सेना की देवी कहा जाता है क्योंकि BSF के जवान जो होते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो यहाँ पे इनकी देख रेख रख रखाव आरती वगैरह सब वो करते हैं। मतलब इतनी शानदार आरती कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। 1 घंटे की आरती होती है लेकिन ऐसे लगेगा कि 5 मिनट ही हुए, इतनी शानदार आरती। मैंने अपने जीवन में इस आरती के अलावा ऐसी कभी आरती नहीं देखी। 1965 में पाकिस्तान को जब मात दी थी उस विजय के उपलक्ष में यहाँ पे विजय स्तंभ बना हुआ है, विक्ट्री टॉवर है, जो तनोट मतलब एंटर करते ही, गेट के अंदर एंटर करते ही है, मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है। रामगढ़ जाना जाता है प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए, और एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है यहाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो हम थे कह दो के गुरुजी थे तो मतलब सब जगह देखे और देखे, जो जो देखी, मेरे को शौक है, मेरा सपना भी है कि मैं न सिर्फ राजस्थान बल्कि भारत के जितने जितनी चीजें पड़ी है वो कम से कम देखूं जरूर, ठीक है। सबके अलग अलग शौक होते हैं, मेरे 2 शौक हैं, एक ये एक चश्मा होगा, तो चश्मे आप देखोगे कि लगभग अलग देखने मिलेंगे। मेरे पास आज भी 70 से ज्यादा चश्मों का कलेक्शन है, और एक दुकान वालों में जाऊं जितनी बार वो कह गुरु जी ये चश्मा आया हुआ है, ठीक। तो ये जो है साथियों सबके देखो अलग अलग शौक है। अब ये जो है विक्ट्री टावर, ये दिख रहा है ना आपको विजय स्तंभ। अब विजय स्तंभ देखो मुख्य वो चित्तौड़ वाला अलग है, बयाना में भी है समुद्रगुप्त वाला, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान के जितने के उपलब्ध में। अब यहाँ से एंटर करके और फिर आगे तनोट माता का मंदिर है, मातेश्वरी तनोट राय मंदिर, ठीक है। और ये तनोट माता जी के मंदिर का मेरे मोबाइल से ही खींचा हुआ फोटो है, आप दर्शन कर सकते हो। बहुत अच्छा और प्राकृतिक मतलब बढ़िया चमत्कारी मंदिर है। चमत्कारी इसलिए कि पाकिस्तान वाला घना ही जोर लगाया, गोला फेंकिया बहुत तरह तरह का, लेकिन मजाल है जो माता जी के यहाँ पे इस एरिया में कोई गोला फट जाए वो सारे सारे जीवित बम अभी भी यहाँ पे संग्रहित है। मैं शायद अगली स्लाइड ये रे, ठीक है ना, ये देखो ये सारे जो है ये अभी भी यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। तो ये फटते नहीं है यहाँ, इसलिए चमत्कारी मंदिर, ठीक। तो ये हो गया, ये देखो रुमाल वाली माता का मंदिर इस तरफ था, और ये जो है देखो रुमाल तगड़ा ही बांधी बड़ा सब, ठीक। ये जो है साथियों रामदेवरा का फोटो है, रामदेवरा यहाँ पे पर्चा बावड़ी भी है, ध्यान रखना पर्चा बावड़ी, और बहुत सारी चीजें हैं जो अपने पढ़ते हैं, ठीक। तो ये चीजें आ गई आपके, ये अभी तो मैं आपको फोटो और बताऊंगा, पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं फिर उससे रिलेटेड आपको चीजें बताएंगे। लोदरवा कहाँ है? जैसलमेर के अंदर ही है, ठीक है। बाटी वंश की प्राचीन राजधानी रही है लोदरवा, देवराज बाटी द्वारा इसे राजधानी बनाया गया, और महेंद्र और मुमल के लिए ये प्रसिद्ध है। राजकुमारी मुमल लोदरवाई की थी और महेंद्र के लिए। कई किताबें जो है ढोला मारू का संबंध इससे बताते, जबकि ढोला और मरवण वो अलग थे, ऊंट पर बैठी दंपति, लेकिन ये महेंद्र मुमल ये अलग है। तो इनकी जो है प्रेम कहानियां और इनके लिए जाना जाता है लोदरवा, ठीक है। चित्रकला के लिए भी लोदरवा जाना जाता है, ठीक है ना। समगांव, अब समगांव पश्चिमी राजस्थान के अंदर है, यहाँ देखो रेतीले टीलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, यूं समझ लो कि 0 सेंटीमीटर ही वह वर्षा, ठीक है।
और पूरा सूखा सूखा दिखेगा आपको। यहाँ जाओगे तो लंबी लंबी सड़कें दिखेगी, दो दो तीन तीन किलोमीटर लंबी सड़कें दिख जाएगी। भारतमाला परियोजना के अंदर बनी हुई सड़कें हैं, सड़कें पक्की है बढ़िया, ठीक है, गाड़ी मचका सको थे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है सम गांव, सम के दोरे बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये देखो टीलों के लिए प्रसिद्ध है लिखा है ना, सम के दोरे बहुत प्रसिद्ध है, मैं बताता हूँ अभी आपको। और सैलानी खूब आते हैं नाइट में, यहाँ जितने जैसे किसी होटल में स्टे करते हो तो नाइट में अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, कालबेलियन नृत्य वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है, कभी जाओ तो देखे आना। नाचना गांव रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है, और नाचना एक ऊंट की नस्ल भी है, ठीक है, ऊंट की नस्ल भी है, रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है। रेगिस्तान के प्रसार को रेंगती मृत्यु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेंगती मृत्यु कहा जाता है। आकल गांव, अब आकल गांव जो है वहां कास्ट जीवाश्म, ठीक है ना, आकल वुड फॉसिल पार्क कहा जाता है कास्ट जीवाश्म, यानी कि हजारों करोड़ों साल पहले जो लकड़ियां थी वो अब जो है पत्थर के रूप में बदल गई है, वो कास्ट जीवाश्म हो गए, उनके अंदर अभी भी जीवाश्म मतलब है, और काफी सारे उनके गुण जो वहां पे बताते हैं। हालांकि जो कास्ट जीवाश्म वुड फॉसिल्स में बनी ओड़ा जो देवन कई गिलासा है, कई कंगन है, कई चीजा है, महंगी गणी देवे अपने लेने रही हिम्मत खोल वे, ठीक है। पर देखन राजी वजह गोटारू, गोटारू साथियों हीलियम गैस की उपलब्धता के लिए जाना जाता है। एक उजला गांव है यहां, जो जिले का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे शिकार निषिद्ध क्षेत्र है जैसलमेर का, ठीक है। अमर सागर, अमर सागर जाना जाता है साथियों राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा संचालित परियोजना के लिए, पहली पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर के अंदर राजस्थान की। उजला बता दिया, शिकार निषिद्ध, गोटारू, हीलियम, आकलवुड फॉसिल पार्क आपको बता दिया, और ये आकलवुड फॉसिल पार्क के मतलब कई सारे चीजें जो पत्थर वगैरह इनकी घिसाई करके फर्श में भी लगाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये वुड फॉसिल क्या होता है, अब मैंने देखो जब पढ़ाई की थी 2015-16 में, जब मैं कंपटीशन की तैयारी मैंने की थी, मैंने सिर्फ इसको रटा था, देखने इतनी भी टाइम ही कौन, मैं आपको अब इसको दिखाता हूं कि ये क्या होता है तो आपके बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ये आप देख रहे हो ये वुड फॉसिल्स, ठीक है ना, कास्ट जीवाश्म जिसे कहा जाता है, जो आप पढ़ते हो कि कास्ट जीवाश्म, और ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से उठाया गया फोटो है, मैंने खुद खींचा है वहां पे, ये रखते हैं वहां देखने के लिए, ये है कास्ट जीवाश्म, जो हजारों करोड़ों साल पहले जो लकड़ी जो चट्टान में बदल जाती है, ये है कास्ट जीवाश्म है। ये है सम के दोरे के गुरु जी, ओ ऊंट नाचना रो है, नाचना किस्म को है, मन ध्यान को नहीं, बाकी ऊंट बी टाइम गुस्से में गणो है कर तो पूरा, मैं भी ऊंट वाला मना करियो, मैं नहीं बैठू लाए, और ये बड़ी ओड़ो है, ठीक है, उनके ध्यान कोई जीके री क्लास पसंद नहीं आई कि कंफ्यूज ओड़ो है, मैं नहीं बैठू लाइन माते, वो कह के नहीं गुरु जी ये आपका स्वागत कर रहा है आपको बैठना पड़ेगा, और बैठ या जू दौड़ा ऊंट ने जी ऊंट से चढ़ियो बे हालत खराब होगी, ठीक है, पर पहला हो जा फोटो खींचो जने हुंकारा भरतो, ठीक। ये है देखो सम के दोरे हैं साथियों, और ये कभी जाओ टेंट हाउस वगैरह वहां बहुत अच्छे होते हैं, तो रुको क्या गुरु जी टेंट हाउस रो फोटो क्लास में क्यों गालियो, ईचा होगी बढ़िया फोटो है गालदान, ठीक है, कदी कदी बटको भी पड़े बढ़िया, ठीक। चलिए सोनारगढ़ किले पे चलते हैं, ठीक है, स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है, सोनारगढ़ के नाम से, गौरहरा गढ़ के नाम से, क्योंकि गौरहरा पहाड़ी पर है, और उत्तर भड़कीवाड़ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भड़कीवाड़ भटनेर दुर्ग को भी कहा जाता है, ठीक है, कई सारी चीजें एक जैसी होती है, ठीक है, चिंटू नाम रा छोरा कोई एक ही कौन है, दुनिया में बहुत सारा चिंटू है, बहुत सारा पिंटू है, तो ऐसे ही यहाँ पे ये भी अलग अलग नाम है। निर्माण करवाया जैसल भाटी ने 12 जुलाई 1155, ठीक है, त्रिकुट की पहाड़ी पर स्थित है, त्रिकुट पर्वत करौली के अंदर है, दोहरा परकोटा बना हुआ है यहाँ जिसे कमर कोट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है तो पहला कौन सा है, पहला है साथियों आपका चित्तौड़गढ़, ठीक है, अंगड़ाई लेते सिंह के समान, यानी अंगड़ाई लेते शेर के समान ऊपर से देखने पर यह दिखता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि एक ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए, ठीक है ना, वो वाली कहावत है ना, घोड़ा कीजिए गाड का पक कीजिए पाषाण, ठीक है, वो वाली। इस दुर्ग पर सोनार किला फिल्म बनी है जिसके निर्देशक डायरेक्टर, ठीक है, सत्यजीत रे थे, ठीक है, सोनार किला फिल्म बनी। 99 बुर्ज के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, 99 बुर्ज है, जीर्ण भद्र सूरी रचित प्राचीन जैन पांडुलिपियों का संग्रहालय है, यहाँ अंडरग्राउंड में बना हुआ है, वहां आधे शाखे के लिए जाना जाता है, यानी यहाँ पे जो शाखे हुए साथियों वो ढाई शाखे हुए और आधा शाखा लूणकरण के समय हुआ,
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल है। इस दुर्ग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें ये आप जो देख रहे हो ये दुर्ग है, ठीक है ना, इसकी सबसे बड़ी विशेषता मैं बताऊं आपको कि इसमें है ना ये कहीं भी, ये यदि आप देख रहे हो इसमें कहीं भी चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ, चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं। तो बना कैसे, इंटरलॉकिंग सिस्टम पे, इंटरलॉक एक दूसरे के अंदर पत्थर लॉक होते थे, इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बना हुआ, उनको पूरा बताया उधर वहां पे उन्होंने, इंटरलॉकिंग सिस्टम पे बना हुआ था ये पूरा पूरा, चूना पत्थर का कहीं प्रयोग नहीं हुआ। एक जैसुल कुआ भी है यहाँ, सुदर्शन चक्र से खुदा हुआ, श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से खुदा हुआ जैसुल कुआ। जब हम गए अंदर गाइड बताने लगा कि ये चीजें हैं वहां, मैं कह दिया भैया वो जैसुल कुआ कटे, बस वो पहला यूं तो नहीं कियो कि जैसुल कुआ कटे, वो कह के सर आप, मैं कि मैं ही हूं बताओ भाई क्या है, तो कह नहीं ये चीजें सबको पता नहीं होती, मैं कि मैं कंपटीशन तैयारी करूंगा, मैं रिट्री परीक्षा दूं, कि नहीं सर ऐसा लगता नहीं है, तो मैं कि ठीक है मैं तैयारी करवाता हूँ, अब आप बता दो कि जैसुल कुआ कहाँ है। फिर उसने बताया कि सर ये है, क्योंकि ये चीजें हर कोई नहीं पूछता है, पर वो गाइड मतलब क्या है थोड़ा घबरा जाए, मैं कि नहीं आज तू सर्वे सर्वा है, मैं कि नहीं बोलूं। किसी भी दुर्ग में जाते हैं ना तो ये मॉडल एक प्रतिरूप होता है, ये देखो ये आप देख रहे हो जैसलमेर का मॉडल, ऐसे कैसे, मैंने आपको मेहरानगढ़ का बताया, ये जैसलमेर के ऊपर जो वहां से लिया गया फोटो है, पीछे पूरा जैसलमेर दुर्ग दिख रहा है, पीले पत्थरों से बना हुआ, इसलिए पीला शहर कहा जाता है, येलो सिटी कहते हैं ना, वो ये व्यू है, ठीक है ये। और ये जो देख रहे हो आप, ये पीछे जैसलमेर है, देखो इसका ये यहाँ पे आगे की तरफ देखोगे तो डबल परकोटा है, और इसे ही कमरकोट के नाम से जाना जाता है, ये देखो ये जैसलमेर है कौन बढ़िया, ठीक है। तो देखो जो चीजें वहां से देखी है, और वो मैं खुद फोटो खींच के लाया हूँ, मुझे बताने में भी अच्छा लगता है कि भैया ये है, ठीक, तो आपके भी थोड़ा दिमाग में प्रभाव डालती है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण जो कहे वो यही है, सबसे बड़ा अभ्यारण पूछे तो यही है, 3162 में जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, 1980 में इसे स्थापित किया गया, गोडावन की शरण स्थली कहा जाता है, और इसके अंदर पीवड़ा सांप और सेवन घास बहुत है, और इस सेवन घास को गोडावन की प्रजनन स्थली कहा जाता है, प्रजनन स्थली, और यह जो कहलाता है शरण स्थली कहलाता है। कौन फोन कर रहे हो, अरे ठीक है, प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली कहलाता है, क्योंकि अकल वुड फॉसिल पार्क और अकल वो जो है वुड फॉसिल के बारे में आपको पूरा बता दिया, तो इसलिए ये कहा जाता है, ठीक है ना। पीवड़ा सांप के बारे में ज्यादा बताने की आप रे जरूरत है, कौन थे जान लो। गढ़ीसर या आप कह सकते हो गढ़सीसर, गढ़सीसर यहाँ एक झील है जो रावल गढ़सी द्वारा निर्मित है, टिलो नामक वैश्या का संबंध भी इसी झील से है, ठीक है, वो यहाँ पे है। बड़ा बाग की छत्रियां हैं जहाँ जैसलमेर के शासकों की छत्रियां बनी हुई है, एक वार म्यूजियम है जिसे हिंदी में कहें तो युद्ध संग्रहालय, ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार बना है इसलिए स्पेशल ध्यान रखना, युद्ध संग्रहालय बहुत प्रसिद्ध है, युद्ध संग्रहालय, ठीक है। सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, हवेलियां बहुत सारी है, और चांदन नल को जिसे क्या कहा जाता है, थार का गढ़ा, थार का गढ़ा, 2.30 लाख प्रति लीटर मीठे पानी देने की क्षमता है, लाठी सीरीज भी है अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान के अंदर, ठीक है। भादरिया महाराज पुस्तकालय जो ये कह दो कि विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय, भूमिगत पुस्तकालय, ठीक है, राइटिंग तो थोड़ा इश्यू है देख लीजिए, ठीक, ये है फोटो साथियों वार संग्रहालय के, ठीक है, ये है आपके गढ़सीसर, देखो बहुत बढ़िया, मतलब आनंद आवे, ठीक है, ये है आपका वार म्यूजियम, वार नहीं दिखेगी ये पेन है ना, या फिर आप कह सकते हो युद्ध संग्रहालय, ठीक है, ये यहाँ पे टैंक वगैरह पड़े हैं, कई सारे जीते हुए टैंक पड़े हैं, और ये जो है देखो चांदन नल को आप कहते हो ना, यानी कि ये सबूत है कि मैं वास्तव में जाके आया हूँ, ठीक है, तो ये चांदन नल को देखो, चांदन 1 किलोमीटर था, चांदन
ऑन स्पॉट नहीं गए देखने के लिए, लेकिन चांदन से निकले थे तो ये फोटो खींच लिया था। और ये जो है प्राउड मोमेंट है, यहाँ पे काफी सारी गौरव गाथाएं वगैरह, लाइट शो वगैरह होता है, और ये इंडियन फ्लैग के सामने तो भी प्राउड मोमेंट ही होता है ये। और ये जो है साथियों अब खोल दी है, ये पाकिस्तान बाबलियान बॉर्डर है यहाँ, ठीक है, और पाकिस्तान बॉर्डर गेट खोल रही हूँ, तो थे अल्लाह बोल कर दो, और अब सारी जिम्मेदारी बोले उड़ा दो, अपार की तरफ बुकिंग मनाया कौन, ठीक है। चलिए ये हो गई साथियों आपके पूरी जैसलमेर की क्लास, और ये अंतिम स्लाइड थी आज, अंतिम स्लाइड वाला लगाई होनी वो, ठीक है। और ये हो गई आपके पाली और जैसलमेर, तो एक तरीके से साथियों रिविजन आपके सेकेंड ग्रेड वालों के लिए तो हो रहा है रिविजन, और थर्ड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है इस क्लास को, जो जैसा किसी भी पुस्तक में नहीं, जैसा किसी कोचिंग संस्थान ने भी नहीं कराया, या जैसा किसी क्लासेस में नहीं है, कि एक तरीके से यूं समझ लो कि एक जिला दर्शन के रूप में ये ऐतिहासिक स्थल पूरे हो रहे हैं, जिसमें राजस्थान की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी रिविजन टाइप एक तरीके से हो रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारा फायदा भी है, और भी आपके फायदे और आपके हित के लिए कार्य ऐसे ही करते रहेंगे, आप लोगों का प्रेम और स्नेह बना रहे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।